It was very tiring, but it was like a roller coaster ride. I had amazing time, and but there was no day off, and I was not well. I was on high dose of medicines, and I couldn't sleep properly. I couldn't speak properly, and I couldn't even cough properly. And I was not even supposed to cough in a live show. That was weird, I know. When I told my doctor about it, he was like, "How would you control your cough?" But I did, and I think I'm. Yeah, my 3 days ki kahani hai. Mera to वैसे पूरा month नहीं गुजरा. मैंने थोड़ा सा break लिया और चला गया US World Cup cover करने. Big people, big people. तो अजहर भाई के साथ experience था. That was wonderful time. बाकी तो सारी टीम साथ ही साथ बहुत अच्छा लगा. Literally really enjoyed the whole month. बड़ा मजा आया और सब टीम एक तो टीम ऑन स्टेज आपको नजर आ रही होती है, एक बिहाइंड द सीन जो होती है उनके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया. क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा खेली जाके और रेडी आई मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हियर अगेन जो हमारे दोस्त बन गए यहाँ पर. हम इंशाल्लाह बहुत सारी महफिलें साथ लगाएंगे इंशाल्लाह और क्रिकेट खेलेंगे. ट्यूसडे को मैच है फाइनल. ट्यूसडे को मैच है माशाल्लाह. बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा. अजहर भाई जैसे नेशनल हीरो, रमीज भाई जैसे नेशनल हीरो से सीखने को मिला बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट. आई चेरिश्ड एवरी मोमेंट ऑफ इट. और बहुत ही साथ साथ जहाँ क्रिकेट पर बातें होती रही, हमने जो हमारे जोक्स थे, ह्यूमर था, लाला का, उकाशा का बहुत एंजॉय किया एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. T20 वर्ल्ड कप आज फिनिश हो जाएगा शुक्र अल्लाह का, क्योंकि लगातार काम करना बहुत मुश्किल होता है और एक परफॉर्मर के लिए तो ब्रेक चाहिए ही होता है, उसके बगैर हम जीरो हो जाते हैं. ऑन कैमरा और बिहाइंड द कैमरा सेम टीम थी, इसलिए उनके साथ एक अच्छी बनी हुई है, घर वाला माहौल है, बहुत मजा आता है. और आई विश के आगे रमीज भाई आ रहे हैं तो हम नए नए मजेदार कैरेक्टर्स लेके आ रहे हैं. वैसे इस दफा हमने T20 वर्ल्ड कप में भी काफी कैरेक्टर्स ट्राई किए और बहुत मजा आया. दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और इस शो में डेली जो लाइव आते थे आपके सामने, इसमें बड़ा मजा आया, बहुत अच्छे मोमेंट्स बने. और सच पूछे तो आई एम फीलिंग रियली सैड. बस सिर्फ रह जाएंगी तो यादें. सो आप लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया. इंतज़ार कीजिए अब शो टाइम विद रमीज राजा का. जी आज हमारी शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल लास्ट डे है, लास्ट ट्रांसमिशन है. बहुत अच्छी ट्रांसमिशन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सबने बहुत अच्छा काम किया. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनका, प्रोडक्शन टीम का, स्पेशली टेक्निकल टीम का, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और एक अच्छी ट्रांसमिशन और एक अच्छा एंटरटेनमेंट के साथ उन्हें डिलीवर किया. और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से काम, इस तरह की ट्रांसमिशन आगे भी होती रहेंगी. इस ट्रांसमिशन के फौरन बाद हम एक बड़े बैंक के साथ दोबारा आ रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा. थैंक यू. इट वाज गुड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा स्मूथली गया और ये पूरी टीम का जो है ये क्रेडिट सब पूरी टीम को जाता है. एक महीने का पता चला नहीं, लेकिन ये है कि नॉन स्टॉप एक महीना बीच में ईद भी और संडेज भी, कुछ समझ नहीं आई कैसे गुजरे, लेकिन इट वाज अ गुड वन. मजा आया और शुगर लगा कुर्बानी के गोश्त का. हाँ, खाने का राजमा. जो ये स्पेल था पूरे एक मंथ का, बहुत ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी एंटरटेनिंग था. और हम अजहर साहब से मिले फर्स्ट टाइम और उनके साथ पूरा मंथ जो है कैसे गुजरा पता भी नहीं चला. तो बैक कैमरा भी और ओवरऑल हमारी जो लाइव ट्रांसमिशन थी, सब कुछ बहुत बेस्ट किया है जी. बहुत मज़े का गुजरा और पूरा एक महीना हमने लाइव सेशन ये चलाया. हमारा ये स्पेल बहुत अच्छा था, मुझे खुद जाती तौर पर बहुत मज़ा आया क्योंकि पहली बार मुझे लाइव प्रोग्राम लिखने का मौका मिला यहाँ पे. और अजहर अली साहब भी थे, रमीज राजा साहब भी थे, हिना नियाजी, इरफान चौधरी, इजहार बाजवा और उसके बाद फिर हमारी पूरी टीम. बड़ा अच्छा गुजरा वन मंथ का जो स्पेल था, बड़ा बेग साहब की सरबराही में, उस्मान नजर साहब, उस्मान मंसूर साहब, सबसे बड़ा अच्छा सीखने को मिला. मेरा भी पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइव का, बड़ा टीम के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लगा. यार इट वॉज़ डिफ़िकल्ट इन स्टार्ट, लग रहा था कि काफ़ी मुश्किल होगा लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बड़ा इजी चला है और फ्लो भी अच्छा था. और फर्स्ट एक या दो जो एपिसोड थे उसके बाद हमें आइडिया हो गया था कि किस तरह से चीज़ें अच्छी चल सकती हैं. यार वर्ल्ड कप का स्पेल बहुत अच्छा गुजरा है, लाइक हेक्टिक भी था क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा था. मैच के बाद जो है पूरे हेडर सुपर बनवाने हैं और उसके बाद जो है मैच समरी बनवानी, उसके बाद चीज़ें हाईलाइट्स एडिट करवानी, बहुत हेक्टिक भी गुजरा, काम भी ज़्यादा था लेकिन मज़ा भी आया लाइव करने का क्योंकि एक घंटे में बैकअप हो जाता था. आई वाज सो बिजी बट वी हैड अ लॉट ऑफ फन बिहाइंड द कैमरा. और वन आवर्स का होता था ड्यूरेशन तो क्विकली हम लोग फिंगर प्रिंट चीज़ें होती थी और हम जल्दी फ्री हो जाते थे. और बाकी एक्सपीरियंस वॉज गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सी जगहों पर मैंने ट्रांसमिशन की हैं लाइव की,
और वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे हर चीज़ इतनी एक्यूरेट इतनी स्मूथ थी कि पता ही नहीं लगा कि एक महीना कैसे हो गया। और रमीज़ राजा साहब को स्काइप पर लेना और उनको भी साथ लाइव में अटैच करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है जी। बड़ा मज़ा आया, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लाइव किया, पूरे एक महीने का स्पेल था विदाउट छुट्टी। मुश्किल तो था थोड़ा क्योंकि रेस्ट नहीं था अंदर, बट टीम की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, हम लोगों को बहुत मज़ा आया, मिलकर काम किया, बहुत अच्छी मिली, बहुत मज़ा किया काम करने का। संडे भी हमने यहाँ पे गुजारा, हमने यहाँ तक के ईद भी यहाँ पे गुजारी, ठीक है, क्योंकि लाइव था, लाइव आना पड़ता था डेली बेसिस पे। लाइव सेशन ऑब्वियसली अभी रिसेंटली हमने ख़त्म किया रमीज राजा शो, और उसके बाद एकदम से हम लाइव पे गए तो ऑब्वियसली टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट हुई और अ लॉट ऑफ द पीपल हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट और टाइमिंग्स का जो है ना एक एक्सटेंसिव चेंज जो था वो बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी बिकॉज हम लोग लेट नाइट्स को रुक रहे थे, हर एवरीबडी पिच्ड इन, हर बंदे ने एक्सेसिव काम किया, मेहनत की एंड दे गिव देयर बेस्ट। आई होप कि जो नेक्स्ट कल हमारा स्टार्ट होना है उस वक्त तक हम दोबारा से फ्रेशन अप होके और इस चीज़ को आगे और बेहतर लेके जा सकें। जी, इट वॉज वेरी वंडरफुल राइड और अ बिग थैंक्स टू आवर मैनेजमेंट जिन्होंने थ्रू आउट हम लोगों को ऑलरेडी सारी सिचुएशन से अवेयर रखा हुआ था, उन्होंने हमें गाइड किया था कि सिचुएशन में हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू मैनेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस और द एंटायर टीम हैज वर्क्ड रियली हार्ड। इन स्टार्ट थोड़ा सा लग रहा था कि यार पता नहीं हम लोग कर लेंगे नहीं करेंगे, कैसा और कैसा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक्स टू गेस्ट एज वेल, रमीज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूट किया, अजहर अली साहब ने और बाकी भी सारी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और खास तौर पर माइक पी सी आर वगैरह और लाइम आए के जो सारे बंदे हैं, मतलब ओवरऑल एज अ टीम वी डिड रियली एंजॉय एंड। हाँ जी, बहुत मज़ा आया जी हमें शो करके, हमने जैसे कहते हैं एक महीना होने को आ गया है बगैर किसी छुट्टी के हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। अब जो है नाउ एनर्जी हैज बीन एग्जॉस्टेड, तो इंशाल्लाह विल सी यू सून दोबारा नए शो के साथ।